हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। डेनिश गैम्बिट की जो ट्रैप्स मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी, बहुत सारी ट्रैप्स है, दो ट्रैप्स और भी है डेनिश गैम्बिट में, वो मैं आज दिखाऊंगा। एक ट्रैप में फोर्क का कॉम्बिनेशन है, दूसरी जो ट्रैप है उसमें स्क्यूअर का कॉम्बिनेशन है। दोनों ट्रैप्स देख लीजिए। और डेनिश गैम्बिट के आगे मैंने फोर ट्रैप्स दिखाई है, टोटल हो जाएगी सिक्स ट्रैप्स और डेनिश गैम्बिट आपके मन में एकदम कम्प्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। E4, E5 बहुत ही अटैकिंग लाइन है डेनिश गैम्बिट। D4 आफ्टर E takes D4 यहाँ पे एक पॉन सैक्रिफाइस किया जाता है। C3, D takes C3 और Bishop C4 ये है मेन लाइन। C into B2 ये डेनिश गैम्बिट की प्रॉपर मूव्स हैं। इतने मूव्स होने पर डेनिश गैम्बिट कंप्लीटेड है। तो इसके बाद ब्लैक कि जो मेन लाइन है वो D5 होती है। D5 इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था। मेन लाइन से हम थोड़ा सा अलग D6 अगर ब्लैक करें यहां तो क्या करना है। D6 में आपको खेलना है यहां पे Knight to F3। Bishop G4 एक पिनिंग का कॉम्बिनेशन है। यहां पे ये पिन गलत है और मैंने बताया है आपकी जब भी F7 पे टारगेट होता है तब पिनिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहां पे हम सैक्रिफाइस Bishop into F7 करेंगे। King takes F7, Knight E5 चेक। यहां पे Pawn takes Knight पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वीन हैंगिंग है और फॉर्क भी है, तो King E8 इसके लिए बेस्ट मूव है। और यहां आपको खेलना है Knight cross G4। अगर ब्लैक Knight F6 करता है यहां पे तो यहां आपको खेलना है Knight cross F6 आफ्टर G takes F6 Queen H5 चेक, King E7 और अगर D7 जाता है तो Queen F5 चेक। और इस पोजीशन में कंप्लीटली व्हाइट विनिंग है। आप देख सकते हो साइड में जो ग्राफ है वो व्हाइट की फेवर में। ओके, चलिए डेनिश गैम्बिट में जो लास्ट ट्रैप है वो मैं आपको दिखाता हूं। E4, E5, D4, E takes D4, C3, D takes C3, Knight cross C3। ये हम व्हाइट से खेल सकते हैं। कभी कभी अगर हम एक ही पॉन देकर, जैसे कि सिसिलियन मोरा गैम्बिट जो है उसी की स्टाइल में हम खेल सकते हैं एक पॉन देके। तो NC6 यहाँ पे व्हाइट BB4 अगर पिन करता है तो यहाँ आपको खेलना है Qd4, F6 डबल अटैक, Knight C6 काउंटर अटैक, Queen takes G7। अब फोर्स मूव है Queen F6 और यहां आपको खेलना है E5, यहां पे आपको खेलना है Bishop H6। ओके, यहां पे सभी मूव्स या Queen takes Queen में Bishop takes Queen और आपको रुक मिल रहा है और इफ इस नाइट को सपोर्ट हो रहा है। ओके, इफ ब्लैक टेक्स योर बिशप बाय क्वीन सिंपली यू कैन विन द रुक। और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे एक और भी कर सकता है ब्लैक, लाइक सिंपल डेवलपमेंट D6। तो D6 में आपको सिंपल रिप्लाई देना है Queen takes F6, Knight takes F6 और Bishop to G7। दोस्तों सभी वेरिएशन में व्हाइट यहाँ पे विनिंग है। चलिए अभी बात कर रहे हैं नए ओपनिंग। आपको डेनिश गैम्बिट के सारे वेरिएशन मैंने बता दिए, अब हम देखेंगे गोरिंग गैम्बिट। उसमें भी ट्रैप्स है। गोरिंग गैम्बिट क्या होता है पहले ये देख लीजिए। E4,
e5, ये किंग पोन ओपनिंग सेंटर गेम में ही है सब। नाइट f3, नाइट c6, ये दोनों मेन मूव है हमारे, कॉमन मूव है, सभी को आते होंगे। उसके बाद स्कॉच गैम्बिट जो खेलते हैं d4, स्कॉच प्लेयर d4 खेलते हैं इस लाइन में। ब्लैक यहाँ पे e takes d4 करता है, फिर एक पॉन सेक्रीफाइस c3। अब स्कॉच गैम्बिट में कई बार बिशप c4 और अलग अलग लाइन है, तो यहाँ पे उसके बाद भी c3 तो आता ही है। तो यहाँ पे मान लो कि हम स्कॉच खेल रहे हैं c3, आफ्टर d takes c3, नाइट क्रॉस c3, बिशप b4, पिनिंग योर नाइट, और यहाँ आपको खेलना है बिशप c4, नाइट f6, ये ब्लैक कैसलिंग की तैयारी कर रहा है। अब यहाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? ओके, यहाँ पे e5, मान लो कि नाइट g4 पे आता है, तो यहाँ आपको खेलना है qd5। पोजीशन बहुत ही जबरदस्त है और ये सिंपल एक छोटा सा ट्रैप जैसे माहौल, यहाँ के नाइट को कोई जगह नहीं है। h6 के बाद नाइट h6 फोर्स हो रहा है, बिशप टेक्स नाइट हो रहा है, बहुत सारे ऑप्शन है। दूसरी ट्रैप देख रहे गोरिंग गैम्बिट में सेम लाइन में। इसी पोजीशन में ब्लैक अगर bb5 के बदले बिशप c5 खेल रहा है, तब एक ट्रैप अलग है। यहाँ पे आपको bc4 करना है, d6, यहाँ पे qb3, f7 पे अटैक है तो qd7, उसके बाद आपको खेलना है नाइट d5, नाइट a5। अब यहाँ आप सोचोगे कि ये फोर्थ में बिशप क्यों दे दे, हमारा स्ट्रॉन्ग बिशप है, लेकिन एक ट्रैप यहाँ पे आप बना सकते हो, जैसे कि क्वीन c3। अब नाइट टेक्स c3 फोर्स मूव है, क्योंकि क्वीन टेक्स नाइट के भी थ्रेट है। यहाँ आपको जबरदस्त रिप्लाई है क्वीन टेक्स g7। अब ब्लैक के पास एक ही बेस्ट चॉइस है, क्वीन g4 काउंटर अटैक, मतलब एक्सचेंज या तो फिर काउंटर में अपना रुकना। यहाँ आपको खेलना है क्वीन टेक्स h7, क्वीन g2, और फिर आपको एक सरप्राइज मूव बताऊंगा, क्वीन g8 सेक्रीफाइस, आफ्टर क्वीन टेक्स g8, नाइट f6, और ये पोजीशन में सिंपल वाइट एक्सचेंज अप हो रहा है, एक एक्सचेंज अहेड, बोरिंग गैम्बिट। अब देखते हैं दोस्तों स्कॉच गैम्बिट। स्कॉच गैम्बिट में बहुत सारे ट्रैप्स होंगी, तो दोस्तों मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा स्कॉच गैम्बिट के बारे में, जिसमें टोटल 14 ट्रैप है। 14 ट्रैप्स अगर आपने देख ली तो पूरा स्कॉच गैम्बिट डिटेल में आप सीख जाओगे। तो जिस प्लेयर को स्कॉच गैम्बिट सीखने की इच्छा है, वो लगातार मेरे सारे वीडियोस देख लीजिए अगेंस्ट स्कॉच गैम्बिट या स्कॉच गैम्बिट के ट्रैप्स वन बाय वन सारे। अभी देखो हम ओपनिंग पे डिस्कस नहीं कर रहे, कंटिन्यूज में आपको ट्रैप्स के बारे में बता रहा हूँ। जो जो ओपनिंग में जो जो ट्रैप्स है वही ट्रैप्स हम देख रहे हैं। ट्रैप्स देखने के बाद आपको फायदा क्या होगा कि कभी भी आप सामने वाले की ट्रैप में फंसोगे नहीं। ट्रैप ओपनिंग सीखने के साथ साथ ट्रैप्स सीखना बहुत जरूरी है, ट्रैप्स देख लेना बहुत जरूरी है। हालांकि हम ट्रैप्स करना नहीं चाहते, लेकिन किसी के ट्रैप में फंसना भी नहीं चाहते। तो दोस्तों जल्द ही मिलेंगे ऐसे बहुत सारे वीडियोस के साथ। जय हिंद, जय गुजरात।